जहानाबाद में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इससे पूर्व जेएनएम के छात्राओं ने यक्ष्मा के प्रति जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वहीं छात्राओं ने टीबी हारेगा देश जीतेगा का नारा लगाया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें भी टीबी का लक्षण दिखे उन्हें तुरंत पीएचसी आकर मुफ्त जांच कराना चाहिए ताकि ससमय समुचित इलाज हो सके। उन्होंने बताया टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत खान पान हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में लोगों ने स्वच्छता के प्रति लोगों ने ध्यान दिया, जिससे जिले में काफी हद तक टीबी के मरीजों में कमी आई है। 24 मार्च को पूरे विश्व में विश्व 6 दिवस मनाया जाता है। और अपने यहाँ जब से, या हम समझते हैं कि पूरे भारत में जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है और लोगों ने मास्क का व्यवहार किया है और हैंड सैनिटाइजर का व्यवहार किया है, तब से जैसे कि विगत 2 वर्षों में टीबी का केस बहुत कम हुआ है अपने देश में। तो ये साबित करता है कि जितना लोग स्वच्छ रहे और तो उतना फायदा है, और फैलने वाली बीमारी से बचा जा सकता है जो कि एक दूसरे से ट्रांजिट होता है। तो ये ढंग से, और जिनको भी 2 सप्ताह से अधिक का खांसी है, किन्हीं को भी, तो अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है साधारण दवा से, तो बलगम के जांच निश्चित कराना चाहिए, जो फ्री सभी हमारे ज़िला में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सदर अस्पताल है वहाँ फ्री अवेलेबल है और फ्री जांच हो रहा है। 2 सप्ताह से अधिक खांसी वाले हो, सीना में दर्द हो, कभी कभी खून में खखार में अगर खून का बूंद दिखाई पड़े, किसी किसी को फ्रैंक ब्लीडिंग भी होता है खून के खखार में, तो वैसे विशेष चिंता की बात नहीं है। आजकल जो है सो कि इलाज होने से 6 महीना 9 महीना का कोर्स का इलाज होने से 100% टीबी का बीमारी ठीक होता है, और 1 सप्ताह 10 दिन खाने के बाद तो उस टीबी के पेशेंट के साथ लोग साथ में भी रह सकते हैं, उससे कोई खतरा की बात नहीं है। अब ये इतनी अच्छी दवाई निकल गई। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।